हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों ने अकाउंट्स पे मेरे बच्चों अपने दो छोटे छोटे लेक्चर्स देखे, और जैसे मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपका बहुत टाइम कभी नहीं लूंगा, बस आपको मेरे साथ पूरे दिन में से हाफ एन आवर देना होगा, इस अदा कुछ नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। बिफोर वी स्टार्ट, एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होता है, राइट। अब बिजनेस क्योंकि एक अलग आइडेंटिटी होती है, एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो ये भी लोगों से क्या लेता है, पैसे लेता है, राइट। इसको लिख दूं पहले एक बार कि बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बच्चों देखना, आपको समझ में आ रहा है ना, फॉन्ट बहुत छोटा तो नहीं लिखा, जस्ट लेट मी नो। तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, राइट। तो अब जैसे हम लोग लोगों से पैसे लेते हैं, वैसे ही बिजनेस भी अपना काम शुरू करने के लिए लोगों से पैसे मांगता है। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है वो जानना चाहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहता है, गवर्नमेंट जानना चाहता है, इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि आपने हमारे पैसे का क्या किया। तो वो बिजनेस क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, वो लिख पढ़ और बोल नहीं सकता, तो वो कम्युनिकेट करने के लिए जिस लैंग्वेज की मदद लेता है, जिस बिजनेस लैंग्वेज की मदद ली जाती है, वो लैंग्वेज होती है अकाउंट्स, करेक्ट। और इस लैंग्वेज को जब हम लिखना और पढ़ना सीखेंगे तो उसे हम कहेंगे अकाउंटिंग। यहां तक पढ़ लिया था हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, याद है। तो अब लेक्चर इसके आगे स्टार्ट होगा, अब सुनिएगा ध्यान से। देखो यार, मैंने बोला ना कि अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, और उसको लिखना पढ़ना सीखेंगे और उसे कहेंगे अकाउंटिंग। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर ये तो सबको आती है, 500 रुपए लिया, 300 रुपए खर्च किया, 200 रुपए बचा है। सर यही तो है ना कि कितना पैसा लिया, कहां कहां खर्च किया। दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग, दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग, यही तो करना है हमें। वेरी गुड, यही आपको बताना चाहता हूं कि अकाउंटिंग हम सबको आती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपके मम्मी और पापा हैं। सब लोग, आप जितने लोग यहां बैठे हो ना, सबके घर में अकाउंटिंग होती है। सैलरी है तो सैलरी आई, फिर उसमें से सारे खर्चे अलग किए गए और उसमें से सेविंग्स की गई, बने ना हिसाब किताब बना। तो जब भी रेवेन्यू आएगी तो उसका हिसाब किताब रखना तो हम लोग बचपन से देखते, सीखते, समझते और सुनते हैं। हर कोई जानता है कि हमें क्या करना है, अकाउंट। और मम्मी तो सबसे ज्यादा अकाउंट्स बनाती हैं, देखिए कितना हिसाब रखती हैं वो। पापा ने उनको पैसे दिए, फिर उसमें से उन्होंने सारे खर्चे अलग करना शुरू कीजिए। सोचिए सोचिए, बिल्कुल सोचिए आप, एकदम 2 मिनट बैठ के मेरे साथ। देखो मम्मी कितने हिसाब रखती है, मेड सर्वेंट का पैसा अलग, राशन पानी का पैसा अलग, ग्रॉसरी का, आपकी पॉकेट मनी अलग, स्टेशनरी का खर्चा अलग, पेट्रोल एट्रोल का खर्चा अलग, राइट, रखते हैं कि नहीं। और जो मिल्कमैन आता है, दूध वाला आता है, या दूध के पैकेट्स आते हैं, उसका हिसाब अलग रखती हैं। बताइए इतना ढेर सारा हिसाब बनाती हैं कि नहीं बनाती। तो अकाउंटिंग तो सबको आती है, और अकाउंटिंग आपको भी आती है जब आप किसी से पैसा लेते हैं। जैसे मम्मा वाला एग्जाम्पल कल दिया था, मम्मा ने 500 रुपए दिया और कहा जाओ हिसाब बना के लाना, मुझे हिसाब बना के दो कितना खर्च किया। अकाउंटिंग इज एवरीवेयर, कहां नहीं है ये। तो सर इसको ऐसे क्यों पढ़ाते हैं आप, इसके पीछे लॉजिक है बेटा। जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, सुनी है, समझी है ना बच्चा, वो डोमेस्टिक वे आउट्स है, वो घर में होने वाला इनफॉर्मल तरीका है। लेकिन जब आप बिजनेस में आते हैं, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं, जब आप आउटसाइड वर्ल्ड में आते हैं, जब आप दुनिया से सामना करते हैं, जब आप बाहरी लोगों से पैसा लेते हैं, घर का नहीं है ये, बाहरी लोगों से लिया है, बाहरी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो यू ऑलवेज गो ऑन अ फॉर्मल वेयर। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल, घर में आप लोअर और टी शर्ट में रह सकते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट्स में रह सकते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है, घर से बाहर जाना है, जाएंगे लोअर और टी शर्ट में। अरे नहीं सर, कैसी बात करें,
पूरा 4 घंटा लगता है तैयार होने में। हाँ, 4 घंटे लगे प्रेजेंटेबल होने में। तो बच्चों उसी तरह से अब जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए पढ़ेंगे। तो ये जो लैंग्वेज सीखेंगे, इसकी जो वोकैब सीखेंगे, वो आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट प्रेजेंटेबल होने के लिए पढ़ेंगे। समझ आ गई मेरी बात? यस सर, समझ गए। तो शुरू करें? तो आज से शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग, यानी कि फॉर्मल तरीके से लिखना और पढ़ना, कि हम एज अ बिजनेस के बिहाफ पे जब बात करेंगे अपने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से। बाप रे, सोचिए, बड़े बड़े लोगों ने आपके बिजनेस में पैसे लगाए, तो आप उनको क्या बताएंगे? 500 रुपया वहां से लिए थे, 200 रुपया वहां खर्चा हुआ, 300 रुपया बचा, ऐसे बताएंगे आप उन्हें? तो आपको क्या बतानी पड़ेगी? अकाउंटिंग दिखानी पड़ेगी। और अकाउंटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, हर चीज को प्रेजेंट करने का एक तरीका होगा, और उसी को अब हम लोग सीखेंगे। आज से स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड फिर से, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज कब स्ट्रांग होती है बताइए? कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। आपने सुना किसी ने बोला कि मेरी आपने सुना आपके दोस्त की इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, अरे बाबा, अरे बाबा, ऐसा बोलता है कि अकल बकल से निकल जाती है ना? क्यों? कब कहते हैं हम कि इसकी, एक मिस्टर एक्स की इंग्लिश बहुत अच्छी है, मिस्टर वाई की हिंदी बहुत अच्छी है? कब? जब उसकी वोकैब अच्छी होती है। वो जो वर्ड्स यूज करता है ना, उसकी मीनिंग ही हवा नहीं लगती। तो दैट्स द की पॉइंट, कि किसी भी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने का बेस, मूल मंत्र है कि आप उसकी वोकैब पहले समझिए। तो हम लोग आज से वोकैब पे काम करेंगे, जिसे अलग अलग किताबों में बेसिक टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स के नाम से बोला जाता है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं जानते, हम लोग बस इतना सा जानते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज की वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हियर वी स्टार्ट विद द अकाउंटिंग, विद द वोकैब। तो अकाउंटिंग में आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने जा रहे हैं, दिल और दिमाग एकदम शांत करके सुनना। पहला वर्ड है अकाउंट। ये हमारी वोकैब का पहला वर्ड है। चलिए मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप में से कोई अकाउंट की मीनिंग जानता है? बताओ जल्दी से। एक मिनट, रुक जाओ, लिखना मत। कुछ लोग सोच रहे हैं, सर मैं जानता हूं, इट इज अ लैंग्वेज। ना ए दिल, संभल जा जरा, गलती करने चला है तू। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। इस लैंग्वेज की वोकैब का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है अकाउंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, अकाउंट, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद अकाउंट्स। अकाउंट क्या है? ये आज से आपकी लाइफ में ऐसा चिपकेगा जैसे कि सर नेम। हां, मेरा नाम वैभव सिंह, कहीं भी जाते हैं ना, लगाते हैं लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सर नेम। तो वैसे ही जान लीजिए, आज से अगर आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, अकाउंट्स लैंग्वेज पढ़ेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो ये वर्ड सर नेम की तरह आपकी लाइफ में चिपक चुका है। अगर आप अकाउंट्स की दुनिया में हैं, तो ये वर्ड की मीनिंग आपको एब्सोल्यूट क्लियर होना जरूरी है। करेक्ट? तो व्हाट इज एन अकाउंट, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन अकाउंट। ठीक, चलिए मैं इसको आपको बड़े सिंपल आसान भाषा से पहले आज समझा रहा हूं। अब मैं कोई भी वीडियो बड़ी नहीं बना रहा हूं, बस इतना कर रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम्स अवेटेड है, उतना कर रहा हूं कि आप लोग साथ में चलते चलिए, और प्लीज बहाने नहीं, प्लीज देख लेंगे करना है कि नहीं करना, ऐसे नहीं। बच्चा बैठो ना, आधे घंटा पढ़ते चलो,
बाद में ये टाइम बहुत काउंट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जीरो सेशन जा रहा है आपका, कि एग्जाम्स के बाद आपकी पढ़ाई होनी है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। तो चलो कैट विल नॉट वेस्ट टाइम, आई एम सॉरी। अकाउंट क्या है ये, सिंपल भाषा में बताऊं? चलो तुम ऐसे कितने लोग जानते हैं? सर मैं जानता हूं, अभी मैं क्लास में होता तो कई लोग हाथ उठाते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक लाइन बोलूंगा, इसमें अकाउंट की मीनिंग छुपी है, तुम सबको मुझे बतानी है। हे भगवान या हे दोस्त, मैं भगवान से बहुत डरता हूं और मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कि भगवान के पास जो मेरा खाता है उसमें लिख जाए। कुछ याद आया? कई बार सुना होगा ये डायलॉग कि भगवान के नाम पे, भगवान के पास जो खाता है उसमें लिख जाए। जल्दी से बताओ इस पूरी हिंदी लाइन में अकाउंट का हिंदी मतलब छुपा है। फिर से बोलो, हम कोई ऐसा काम नहीं करते कि भगवान के पास जो मेरा खाता है उसमें लिख जाए। मतलब अकाउंट का मतलब, यस वेरी गुड यू गॉट इट, अकाउंट का मतलब होता है खाता। सो व्हाट इज एन अकाउंट? अकाउंट इज अ प्लेस वे ऑल द ट्रांजैक्शंस, मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, तुम मेरे साथ बोलोगे। अकाउंट एक जगह है जहां पे किसी से भी रिलेटेड कोई भी बात हम लिखेंगे। सो अकाउंट इज अ प्लेस वे ऑल द ट्रांजैक्शंस, लेन देन, हिसाब किताब रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम्स आर रिकॉर्डेड। तो अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां पे किसी भी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी जाती हैं। इसीलिए बिजनेस तो आर्टिफिशियल पर्सन है। अब बिजनेस लोगों के साथ क्या करेगा? लेन देन करेगा, करेक्ट। तो वो अपने यहां सबका क्या रखेगा? खाता रखेगा, हिसाब रखेगा। सबको एक ही जगह रखेगा या सबका अलग 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 खुलेगा? जल्दी से बताओ, अलग 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 खुलेगा या एक ही जगह रखेगा? सर सबका अलग अलग हिसाब होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। अब चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देता हूं आपको, ठीक है विकास भाई, जल्दी से इधर आइए, कुछ पैसे ले आइए। चलो भाई हम लोग गरीब हैं, अभी पैसे नहीं हम लोग पास, विकास भैया के पास 1 रुपए, लाओ भाई भाई लाओ, विकास भैया आ गए। देखिए मुबारक हो विकास भैया, आप सबको फोन करते रहते होंगे राइट। अब सुनिए, मैं बिजनेस हूं, मैं कौन हूं? बिजनेस, बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मैं आर्टिफिशियल पर्सन, देख लो मैं बिजनेस हूं, ठीक। और ये एक आउटसाइडर है, करेक्ट। मैंने इनको, ये देखिए ये 1 रुपए है, ठीक है, मैंने इनको 1 रुपए दे दिए। अब आप मुझे सोच के बताइए, मुझे आर्टिफिशियल पर्सन समझिए, मैं एक इंसान हूं, ठीक है, मैंने इनको पैसे दिए, दिए या नहीं दिए? हां सर दिए। तो मुझे विकास भैया का हिसाब रखना चाहिए कि नहीं? मुझे अपनी कॉपी में, देखिए 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 मैं कॉपी बनाता हूं, मुझे एक कॉपी में, मुझे अपनी इस एक कॉपी में, मुझे अपनी इस बुक में विकास भैया का नाम लिखना चाहिए कि नहीं? बोलो। एक पेज पे लिख देता हूं विकास भैया, विकास। अब विकास को नाम के नीचे मैं क्या लिखूंगा? गिवन रुपी 1, ये करूंगा ना, मैंने विकास भैया को 1 रुपए दिया, मानते हो कि नहीं? हां तो बताइए ना, मैंने विकास भैया का अलग से एक जगह पे नाम और हिसाब लिखा कि नहीं? लिखा ना। तो ये जो पेज है ये विकास भैया का हिसाब बता रहा है कि नहीं बता रहा? ये जो पेज है ये विकास भैया का हिसाब बता रहा है कि नहीं बता रहा? हां जी सर बता रहा है। तो इसको हम आज से क्या बोलेंगे? विकास अकाउंट। अच्छा, विकास अग्रवाल नहीं, सरनेम हट गया, अब क्या चिपक गया? अकाउंट। क्लियर हुई मेरी बात? तो जब भी बिजनेस किसी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो वो अपने यहां उसको लिखता है, और सबको एक ही जगह थोड़ी लिख देंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो सबके लिए को अलग 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 जगह देता है, और उस जगह को कहते हैं अकाउंट।
सर एक एग्जाम्पल और दे दीजिए, बिल्कुल और अच्छा एग्जाम्पल और इजी एग्जाम्पल, रोज वाला हम सबके बीच का, जल्दी से बताओ बैंक में तुम्हारा क्या है? सर अकाउंट, खाता, बस। इमेजिन कीजिए बैंक, ये है बैंक, करेक्ट, और बैंक के पास इतने कस्टमर, इतने कस्टमर, इतने कस्टमर, अनगिनत कस्टमर, लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं बैंक के पास। इसने पैसा जमा किया, इसने पैसा निकाल लिया, इसने जमा किया, इसने जमा किया, इसने जमा किया, क्या करे बैंक? सबको एक ड्रम बना ले और उसी ड्रम में सबका पैसा डाल दे, अब आओ भाई जिसको ताकत हो निकाल लो, लूट हो जाएगी। कोई आदमी अपना सही हिसाब बताएगा, रखेगा 500, बताएगा 1000 दिए थे। तो बैंक भी तो बिजनेस है, इसे सबका अलग 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 हिसाब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हाँ सर रखना चाहिए। तो सबका अलग 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 हिसाब रखने के लिए वो क्या बनाएगा? सर सबका अलग 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 खाता बनाएगा। भैया अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोल लो, सर सबका अलग 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 अकाउंट बनाएगा। तो हियर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द वोकैब, दैट इज अकाउंट। तो अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम्स आर रिकॉर्डेड। पॉइंट क्लियर? तो क्लियर हो गई बात। अकाउंट का मतलब होता है खाता। जब भी हम किसी के साथ हिसाब करेंगे उसे एक जगह पे लिखेंगे और उस एक जगह पे जहां लिखते हैं उसे बोलते हैं अकाउंट। तो हियर वी कम, हियर वी स्टार्ट विद द अकाउंटिंग विद द वोकैब एंड द फर्स्ट वर्ड इज एब्सोल्युटली क्लियर, दैट इज एन अकाउंट। थैंक यू।